दीपावली की शाम की ये पहली रेड आशु मलिक की तरफ से दबंग दिल्ली वर्सेस पटना पायरेट्स, और पटना पायरेट्स डेफिनेटली अपने उस एक परफॉर्मेंस को दोहराना चाहेंगे और दबंग दिल्ली के डिफेंस पर हावी होना चाहेंगे। अभी तो आशु मलिक की शाम होनी चाहिए। औसत देख लिए 7.4 का। कॉशियसली शुरुआत करी है ये एक रनिंग हैंड टच लगाने की कोशिश राइट कवर के ऊपर, लेकिन खाली हाथ वापस। पटना पायरेट्स के 3 मुकाबलों पे नजर डाले जब तक वो खेल चुके हैं। एक जीत तमिल तलाइवास के खिलाफ, अच्छी जीत थी वो, और खाता खोल लिया है पटना पायरेट्स ने दिवाली के शुभ दिन पर। दबंग दिल्ली यहां पे एक और चेन के नीचे, चेन में फंसते हुए वहां। रेडर आउट, 1 पॉइंट। और ये इस शाम का हिसाब का पहला सक्सेसफुल टैकल। संदीप आए हैं पटना पायरेट्स के लिए और यहां एंकल होल्ड आता हुआ, लेकिन सही समय पर मिडलाइन क्रॉस करते हुए पटना पायरेट्स फिर से वो कमजोर डिफेंस। एक और फ्लाइंग हैंड टच लगाने की कोशिश राइट कवर के ऊपर और डैश डैश या पॉइंट रेडर के नाम। रेडर सेफ, बोनस प्लस 1 पॉइंट। आशु मलिक की दिवाली बन गई। ओहो आयान, ये तो पटना की कमान से निकला आयान। पटना पायरेट्स दिखा रहा है, पटना पायरेट्स यहां करना, ये करना चाहती है। क्या शानदार जंप, जिस तरह दिवाली के दिए रोशनी फैलाते हैं वैसे ही इस रेड ने प्रो कबड्डी के मैट को जगमगा दिया। बिल्कुल मंत्रा, बहुत ही जबरदस्त रेड है आयान की और लगातार रेड कर रहे हैं। रेड पॉइंट आखिरी खिलाड़ी और यहां पे ऑल आउट होते हुए दबंग दिल्ली, पहला ऑल आउट इस मुकाबले का और दिवाली के दिन का। 1+2, 3 पॉइंट पटना पायरेट्स ऑल इन। शानदार शुरुआत यहां पटना पायरेट्स की, दबंग दिल्ली वही अपने पुराने झुके हुए फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए। ओहो लहर पटना की तरफ है मोहित, ये लहर है जिसमें सब बह जा रहे हैं ऑपोजिशन के डिफेंडर्स। अभी तक के डिफेंस ने खाता तक नहीं खोला दिल्ली के, और ये तो ऐसा लग रहा है कि दीपावली की मिठाई के डब्बे खुले हैं तो बट रहे हैं, लेकिन दिल्ली ने कहा चलो भाई हम भी काजू कतली खिलाएंगे और देखते हैं कितने पॉइंट्स मिले हैं यहाँ पर। बढ़िया रेड, बढ़िया रेड, यहाँ 3-3, यानी कि कहिए ये है एचपी रेसर जेन 6 सुपर रेड पावर टू थ्रिल। असफल टैकल देख सकते हो, दबंग दिल्ली ने अब तक 8 किए और एक ले लो, ये नवा हो गया। 1 पॉइंट पटना पायरेट्स, तो यही दर्शाता है कि डिफेंस जो है वो बहुत वीक है, उसके कारण टीम जो है वो लीड नहीं कर पा रही है, और यही कहानी बदलनी होगी और बदल दी है। शून्य हटाइए और शून्य की जगह लड्डू लीजिए, मुंह मीठा कराया है दिल्ली के डिफेंस ने। 3 डिफेंडर और यहाँ पे रनिंग हैंड टच की कोशिश थी, शुभम शिंदे का कहना नहीं टच नहीं हुआ है। रेडर आउट और सेल्फ आउट हो गए आशु। सुपर टैकल, 2 पॉइंट्स पटना पायरेट्स। रॉफ सुपर टैकल, मगर की जकड़, लेकिन यहाँ पे गलती आशु की और ना कि डिफेंस का उतना श्रेय जाता है। 12 आउट, 11 इन। 5 का डिफेंस। विनय का कहना है कि वो टच पॉइंट लेकर आए हैं जरूर। बिल्कुल टच लिया यहाँ पे विनय ने, डिफेंस जो है वो कहीं ना कहीं गलतियां कर रहा है। फिर से बोनस प्लस 1 पॉइंट, देवांग पॉइंट लेकर आया है, बोनस प्लस 1 मल्टी पॉइंट रेड देवांग की तरफ से। ये उनका चौथा ही रेड है आज के मुकाबले का। 6 पॉइंट्स का फर्क है दोनों ही टीम्स के बीच, लेकिन अब दबंग दिल्ली का डिफेंस काम करता हुआ। आपकी बात सुन ली मंत्रा, रिशांत आपकी भी बात सुन ली दिल्ली के डिफेंस ने। 8 टीमें 5 पॉइंट से ज्यादा पिछड़ने पर कमबैक कर चुकी है, और यहां पर कमबैक करने नहीं दे रही पटना पायरेट्स की टीम। रॉफ सुपर टैकल कामयाब हुआ है, मगर की जकड़। रॉफ सुपर टैकल नंबर 52 और यहां पे दोबारा चूक योगेश से, इस बार गलती हुई है, कुछ ज्यादा ही एडवांस चले गए थे। दबंग दिल्ली की टीम तितर बितर होती नजर आ रही है, खास तौर पे जब उनके डिफेंस की आप बात करें, ऐसी गलतियां
जोगिंदर नरवाल जैसे उस्ताद डिफेंडर के खिलाड़ियों से आप उम्मीद नहीं करते। खैर इस वक्त 8 पॉइंट्स का अंतर है दबंग दिल्ली और पटना पायरेट्स के बीच में, जो कि महीन सा अंतर है। टीमों ने 15-15 पॉइंट से पिछड़ते हुए कमबैक किया है, लेकिन क्लियरली आज की शाम पटना पायरेट्स की टीम एक प्लान के साथ उतरी और उसमें आप तैयारी करके आए थे देवांग की, लेकिन चल पड़े आया। वंडर आशु मलिक का प्लान क्या है, वो एक्चुअली करना क्या चाहते हैं मैट के ऊपर? आप अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, जोगिंदर नरवाल ने उनसे कुछ स्पेशल बातें कही थी ब्रेक के दौरान, उन चीजों का अप्लाई आप नहीं कर रहे। दूसरी तरफ पटना पायरेट्स के रेडर्स ने बोला भाई दिवाली की सेल लगी, ले लो पॉइंट्स। अरे चलो कम से कम, मैं हर बार दिल्ली के डिफेंस के बारे में ऐसी बातें करूंगा तो वो पॉइंट उठाएंगे। क्या यहाँ पे दो पॉइंट उठाएंगे? नहीं, पटना पायरेट्स ने कहा आप डिफेंस करेंगे तो हम भी हम रंगोली लगाएंगे, और यहाँ पर स्ट्रगल अभी भी जारी है, लेकिन स्ट्रगल ज्यादा देर चलेगा नहीं। शुभम शिंदे वहां पर है, रॉक सुपर टैकल कामयाब हुआ, मगर की जखर। देखिए त्यागराजन युवराज ने ये टैकल किया है और आशु सीजन ऐसे बहुत बार टैकल होते दिखे, रॉन्ग साइड में जब जाते तो टैकल होते हैं आशु। फिलहाल इस डुओ डायरेक्ट में सुधाकर सफल होते हुए चूक हुई उधर दबंग दिल्ली के डिफेंस से। आशु आए हैं इस सिचुएशन में टीम के डिफेंस में और किक लगाया, पॉइंट लिया, गलती करवाया उस कॉर्नर से आशु मलिक। अब दृश्य देखने को मिल रहा है दो डिफेंडर और रुको रुको पटना पायरेट्स, शुभम शिंदे, शुभम शिंदे क्या शानदार टैकल किया यहां पर पटना पायरेट्स, रॉफ सुपर टैकल, मगर की जकड़। क्या दृश्य देखने को मिला है, डिफेंडर्स की आतिशबाजी। पर यहां पे फंसाया संदीप ने, एंकल होल्ड करके रोका है देवांग को। आशु मलिक दो बार ऑलरेडी सुपर टैकल हो चुके, लेकिन इस बार नहीं, इस बार नहीं, टच पॉइंट लेके लौटे हैं पटना पायरेट्स ऑल आउट के कगार पे। संयम दिखाए अगर दिल्ली की टीम तो पटना ऑल आउट हो सकती है, और संयम दिखाया है, मुंह मीठा कराइए, काजू कतली खिलाइए, मोतीचूर का लड्डू मंगाइए, आखिरकार दिल्ली ने पटना को ऑल आउट कर ही दिया, वो भी तीसरे चरण के अंत में। लेकिन ये देवांग, ये टेढ़ी खीर साबित हो सकते हैं, हो गए फुलझड़ी के ऊपर किसी ने ठंडा ठंडा ग्लास पानी डाल दिया। अब चलिए देवांग को मुस्कुराते हुए देखा हमने, मुस्कुराइए मुस्कुराइए, ये है एचपी रेसर जेन 6 सुपर रेड, द पावर टू थ्रिल। और यहां पर देखिए इस तरीके से सब टूट पड़े लेकिन लूट गए। रेड से 1 पॉइंट पटना पायरेट्स, कमाल का खेल दिखा रहे हैं आज पटना पायरेट्स के दोनों ही रेडर्स। अयान ने अपना सुपर 10 कंप्लीट किया, देवांग ने अपना सुपर 10 कंप्लीट किया, ओहो छलांग, लेकिन रॉकेट उड़ा जरूर था हवा में, 1 पॉइंट पटना पायरेट्स, पर दूसरे माले पे किसी ने लपक लिया। देवांग और अयान दोनों ही पटना के युवा रेडर्स ने सुपर 10 लगाया है, और योगेश यहां पहला टैकल इनिशिएट किया था लेकिन सफल नहीं हो पाए सुपर टैकल सिचुएशन में पटना पायरेट्स। और बचा रहे थे, आ ही रहे थे साउथ दिल्ली तरफ, लेकिन हो ना पाया, डूब गए और इससे बाहर आना बहुत मुश्किल। ऑल आउट यहां पे एक बोनस जरूर लिया है, लेकिन दबंग दिल्ली ऑल आउट होते हुए पटना पायरेट्स लीड तेजी से बढ़ाते हुए, और गलती यहां पर, संयम दिखाना था पटना पायरेट्स के डिफेंस को। दबंग दिल्ली जर्सी नंबर 9 आउट एंड एक रेयर मिस्टेक इस वक्त पटना पायरेट्स के दीपक की तरफ से। डू ऑर डाई रेड में भी गलतियां करती हुई दबंग दिल्ली, 1 पॉइंट पटना पायरेट्स, रास्ता खो चुकी दबंग दिल्ली, लेकिन टूर्नामेंट के शुरुआती दिन है, आई एम श्योर यहां से वापसी करने के लिए बहुत मौके मिलेंगे उन्हें। अंतिम 20-25 सेकंड बचे हैं इस मुकाबले,
अगले तीन मैचेस की बात करें दबंग दिल्ली की, तो यू मुंबा के खिलाफ 5 नवंबर को, वॉरियर्स बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ 7 नवंबर को, और तमिल थलाइवास के खिलाफ 8 नवंबर को। दबंग दिल्ली यहां पे 14 पॉइंट पीछे, और पटना पायरेट्स के रेडर्स 2 सुपर 10 देवांग की तरफ से, अयान की तरफ से। और पटना पायरेट्स के अगली तीन मुकाबले योद्धास के खिलाफ 2 नवंबर, यू मुंबा के खिलाफ अगला मुकाबला होगा, और बहुत अच्छा जीत हासिल किया है पटना पायरेट्स ने। दबंग दिल्ली के लिए हैट्रिक ऑफ लॉसेस, मुबारकबाद पटना पायरेट्स, एंड गहन चिंतन का समय दबंग दिल्ली के लिए।